बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंटरनेशनल बिजनेस चैप्टर नंबर 1 हम स्टडी कर रहे थे और इसका आज लास्ट पार्ट जो है हम कवर करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इसके पिछले टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए थे। ग्लोबलाइजेशन के हवाले से हमने बात की थी, ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स की बात की थी हमने, प्रोडक्शन सेक्टर की बात की थी, इंटरनेशनल बिजनेस के हमने एडवांटेजेस वगैरह उसके हवाले से बात की थी। ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंटरनेशनल बिजनेस को कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, क्या उसके ऊपर इफेक्ट हुआ, उसके हवाले से बात की थी हमने। डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है उनके ऊपर क्या असरात हुए, उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कितनी आगे गई है उसके हवाले से हमने बात की थी। GDP के ऊपर बात की थी और इसका ग्लोबलाइजेशन का इनकम के ऊपर, लेबर पॉलिसीज़ के ऊपर जो है वो क्या असर पड़ता है, सिटीज़न के ऊपर क्या असर पड़ता है। और आज हम बात करने जा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन एंड नेशनल सोवरेनिटी, यानी कि सोवरेनिटी से मुराद होता है इक्तदार, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे जहाँ पे मुख्तलिफ जो ममालिक हैं आपस में एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट हैं, ठीक है। मुख्तलिफ इकॉनमीज़ जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जो इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर इन्हसार कर रही हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है ही इसी चीज़ का नाम कि आप एक दूसरे के ऊपर इन्हसार करके ही जो है वो बिजनेस कर सकते हैं, इंटरनेशनल जो है आप कारोबार को बढ़ा सकते हैं। अगर आप जो इकोनॉमीज है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करें, कोई भी खुद मुख्तार होकर जो है वो मतलब इसको बिजनेस को नहीं कर सकता, उस तरह बढ़ा नहीं सकता जिस तरह ग्लोबलाइजेशन में बिजनेस को बढ़ाया गया। अब यहाँ पे कुछ अदारे हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैं, WTO है और यूरोपियन यूनियन है और इसके बाद यूनाइटेड नेशंस है, ये इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इनका मकसद क्या है कि इकोनॉमीज़ जो हैं उनको जो है ग्लोबलाइजेशन की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जाए, ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ग्रोथ जो है वो हासिल की जा सके। गवर्नमेंट्स को इस चीज़ पर राजी किया जाए कि वो अपनी इकोनॉमीज़ को जो है वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ जो है शिफ्ट करें, कन्वर्ट करें। अब इसमें दो तरह के जो है वो आर्गूमेंट्स आ जाते हैं, एक जो इसके मुखालफीन हैं और एक जो इसके सपोर्टर्स हैं। जो मुखालफीन है उनका आर्गूमेंट क्या है, वो कहते हैं जी क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट अन इलेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स हैव द पावर टू इम्पोज द पॉलिसीज ऑन द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स ऑफ नेशन स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको डिफाइन कर दूँ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट से मुराद क्या होता है, जैसे कि आपके हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, MP MNA सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, उनको कोई वजारतें दी, जैसे कि अभी हम बात करते हैं रेलवे का वजीर शेख रशीद है, ठीक है, इस तरह से आपके जो है वो हफीज़ शेख को उन्होंने बना दिया है वज़ीर ख़जाना, लेकिन वो इलेक्टेड नहीं था, बाहर वो एक अलग से केस था, पहले असद उमर था वो इलेक्टेड था। तो ये जो इलेक्टेड होते हैं इनके लिए पॉलिसीज़ कौन बना रहे हैं, अन इलेक्टेड ब्यूरोक्रेट जो मतलब CSS करके जो है वो मतलब 70 ग्रेड की जॉब हासिल करते हैं और जो मुल्की मामला को चलाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। तो मुखालफिन का ये कहना था कि जो अन इलेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ये लोग पॉलिसी, यानी कि CSS करके जो लोग आगे आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे ये लोग पॉलिसीज़ बना रहे होते हैं उन लोगों के लिए जो कि मतलब इलेक्शंस के थ्रू जो है वो अब यहाँ पर सामने आए होते हैं, ठीक है। और सपोर्टर्स इस हवाले से कहते हैं जी कि क्लेम दैट द पावर ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन इज लिमिटेड टू व्हाट नेशन स्टेट एग्री टू ग्रांट, कहता जी अगर हम इन इदारों की बात कर लें ना, WTO, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशंस की बात कर लें, तो कहता है कि इनकी जो पावर्स है ना वो एक लिमिट तक है, एक हद तक इनकी पावर है, ये किसी भी इकोनॉमी के ऊपर जो है वो बाय फोर्स कोई चीज़ इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, वो रेस्ट्रिक्शंस ऐसे नहीं लगा सकते, मतलब कह तो सकते हैं, एडवाइसेस तो दे सकते हैं, मशवरे तो दे सकते हैं, ठीक है, इस्लाहात लाने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन किसी भी कौम के ऊपर, किसी भी मुल्क के ऊपर, किसी भी नेशन के ऊपर बाय फोर्स ये कोई चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए जो इनकी पावर्स हैं वो लिमिटेड हैं, नेशन अपना फ़ायदा देखते हुए जो है इनकी बातों को मानेगी, अगर तो नेशन को फ़ायदा नज़र आ रहा है, ठीक है, या जो उस वक्त की जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, उस वक्त की जो सियासत है, जो लोग हुकूमत में हैं, वो अगर इस चीज़ को बेहतर समझेंगे तो वो इन इनकी जो बनाई हुई असलाहत है इन इदारों की उनको मान लेंगे, अदरवाइज़ जो है वो इनकी असलाहत पर अमल नहीं करेंगे। तो ये जो है दो एक किस्म के आर्गूमेंट्स हैं, एक जो इसके मुखालफीन ने आर्गूमेंट्स दिए कि इसमें अनइलेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स पॉलिसीज़ बना रहे होते हैं, ठीक है, इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए, और दूसरा जो है वो सपोर्टर्स कहते हैं जी कि यहाँ पे जो है इनकी पावर्स जो है वो लिमिटेड होती हैं, ठीक है, और पावर्स लिमिटेड होने की वजह से नेशंस के ऊपर जो है ये मतलब बाकायदा तौर पर अपनी पॉलिसीज़ जो है वो
बाय फोर्स इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, ठीक है। तो नेशंस की मर्जी है, स्टेट्स की मर्जी है, अगर वो एग्री कर लें इनकी बातों को, ठीक है, तो उसके ऊपर फिर चल सके, अगर एग्री ना करें तो फिर इनकी बातों पर नहीं चलते। बहरहाल इन इदारों का मकसद क्या है कि ग्लोबलाइजेशन को जो है वो मतलब नेशनल सॉवरेनिटी के साथ जो है पैरेलल लेके चलना, ठीक है, यानी कि कौमों का इक्तदार भी साथ रहे, ठीक है, कौमों की जो अपनी सुपरमेसी है वो भी चलती रहे और ग्लोबलाइजेशन की तरफ भी कौमें आ जाएं, यानी कि कौमें आपस में एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार भी करने लग जाएं, ठीक है, और उनकी जो अपनी एक सुपरमेसी है, अपना जो इक्तदार है, ठीक है, वो भी जो है वो साथ साथ चलता रहे, ऐसा उनको फील ना हो कि मतलब कि वो एक ग्लोबलाइजेशन के दौर में आके इन इदारों के गुलाम बन गई कौमें, ठीक है, कौमों को ऐसा भी फील ना हो, उनकी अपनी भी एक सुपरमेसी कायम रहे और इन इदारों की असलाहत को मानते हुए वो अपने बिजनेस को ग्लोबलाइज करने की कोशिश भी करते रहे, ठीक है। तो ये इनका जो है इदारों का मकसद होता है बेसिकली, तो इसी के हवाले से यहाँ पे जो है वो आर्गुमेंट्स भी थे, ठीक है। द पावर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लाइज इन देयर एबिलिटी टू गेट कंट्रीज टू एग्री टू फॉलो सर्टेन एक्शन। अब इनका काम क्या है, इदारों का और ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है कि ये बेसिकली कंट्रीज को जो है वो मतलब किसी खास एक्शन को लेने के लिए एग्री करने की कोशिश कर रही होती है, ठीक है, और ये उसी हद तक इदारे कौमों को एग्री कर सकते हैं जहाँ तक इनकी एबिलिटी है, ठीक है, अपनी एबिलिटी से अपने हदूद से बाहर जाके आउट ऑफ द वे जाके जो है ये मतलब कोई बाय फोर्स जो है वो रेस्ट्रिक्शन जो है अप्लाई नहीं कर सकते किसी इदारे के ऊपर, ठीक है। तो ये यहाँ पे बात की जा रही कि अपनी एबिलिटी जितनी इदारों की है उस एबिलिटी के अंदर रहते हुए जो है ये सर्टेन एक्शंस को फॉलो करवाने के लिए कंट्रीज को जो है वो एग्री कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ जाती है ग्लोबलाइजेशन का दुनिया की गुरबत के साथ क्या ताल्लुक बनता है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन और वर्ल्ड पुअर इसका दुनिया की गुरबत के साथ क्या ताल्लुक बनता है। इज द गैप बिटवीन रिच नेशन एंड पुअर नेशन इज गेटिंग वाइडन, क्या अमीर और गरीब का जो फर्क है वो पहले से ज्यादा बढ़ गया या पहले से कम हो गया। ग्लोबलाइजेशन ने आके कौन सा ऐसा मार्का मारा है, उससे क्या फर्क क्या पड़ा, अमीर जो था वो ज्यादा अमीर हो गया या गरीब ज्यादा गरीब हो गया, या इनका जो फर्क था आपस में अमीर गरीब का वो और ज्यादा बढ़ गया, एक सवाल ये पैदा होता है, ठीक है। तो क्रिटिक्स इसमें भी दो आपके जो है वो आर्गुमेंट्स हैं, एक मुखालफीन है और इसके जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने इसमें जो है वो अपने अपने जो है राय का इजहार किया है। तो जो मुखालफीन है वो कहते हैं जी क्रिटिक्स बिलीव दैट द इफ द ग्लोबलाइजेशन वाज बेनिफिशियल, कहते हैं अगर ग्लोबलाइजेशन जो है वो बेनिफिशियल थी तो देर शुड नॉट बी डाइवर्जेंस बिटवीन रिच एंड पुअर नेशंस। जो उसके मुखालफीन तो वो कहते हैं जी कि अगर ग्लोबलाइजेशन बेनिफिशियल थी, ठीक है, तो यहाँ पे जो है देर शुड नॉट बी डाइवर्जेंस, मतलब कि इंतशार नहीं होना चाहिए अमीर और गरीब के दरमियान, ठीक है, अमीर और गरीब के दरमियान फर्क नहीं होना चाहिए अगर ग्लोबलाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल थी या फिर बेनिफिशियल थी, तो यहाँ अमीर और गरीब के दरमियान कोई मतलब फर्क नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली एक राय थी, एक उनका इजहार था, उनका एक व्यू था, ठीक है, हमने इसको पढ़ लिया। अब जो इसको मानने वाले वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी Supporters claim that the best way for the poor nation to improve their situation is to. Supporters ये कहते हैं कि सबसे अच्छा तरीका, सबसे best way जो है economy को, nation को, एक गरीब कौम को अपने आप को improve करने का है, क्या है वो, सबसे पहले तो उसको क्या करना चाहिए, reduce barriers to trade and investment. सबसे पहले वो अपने मुल्क में से, अपनी economy में से जो है वो barriers को reduce करें जो कि तिजारत करने से मना कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब तिजारत में जो है रुकावट बन रहे होते हैं या इन्वेस्टमेंट बैरियर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो तो और उसको बहुत सारे टैक्सेस का सामना करना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है वो ऐसी जगह पे क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा जहाँ पे उसको बहुत सारे टैक्सेस टैरिफ वगैरह का सामना हो। तो इन्वेस्टमेंट बैरियर्स को और तिजारत के हवाले से जो रुकावटें हैं उनको ख़त्म किया जाए सबसे पहले, अगर जो गरीब कौम है वो अपने आप को तरक्की की तरफ देखना चाहती है। सेकेंड क्या करना चाहिए उसको, इम्प्लीमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज बेस्ड ऑन फ्री मार्केट इकोनॉमीज, ठीक है। फ्री मार्केट इकोनॉमी से मुराद क्या है कि जहाँ पे इंडिविजुअल को आज़ादी हासिल हो वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करते हुए अपना कारोबार आसानी से कर सके, वह हुकूमत का मातहत ना हो, मतलब खुद से उसको इजाज़त हो। जैसे पाकिस्तान में है अगर कोई बंदा भी चाहता है तो अपना बिजनेस सेटअप कर लेता है और उससे अपने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज को यूज़ करके वो खुद से कारोबार एक एम्पायर खड़ा कर लेता है और खुद प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। मतलब फ्री मार्केट इकोनॉमीज हैं, उसमें कोई मतलब रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, उसमें मतलब एक इंडिविजुअल बंदा जो है वो उसको आज़ादी हासिल है, ठीक है, कारोबार करने के हवाले से। तो यहाँ भी कहते हैं जी इन गरीब ममालिक को जो है अपनी मार्केट को फ्री कर देना चाहिए, वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन जो है वो हटा दी जाए, रुकावटें हटा दी जाए,
आप लोगों को इख्तियार दे दें, बाख्तियार कर दें, वो आजादी के साथ जो है वो मतलब कारोबार करें। उसके बाद रिसीव डेट फॉरगिवनेस फॉर डेट इनकर्ड अंडर द टोटलिटेरियन रिजीम। टोटलिटेरियन रिजीम से मुराद क्या होता है? टोटलिटेरियन एक बेसिकली कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, जब एक होती है ना हुकूमत डेमोक्रेसी वाली, ठीक है, और एक होती है हुकूमत आपकी टोटलिटेरियन वाली, जिसमें डिक्टेटरशिप आ जाती है, जिसमें एक वन एंड ओनली मैन होता है जो पूरे मुल्क को चला रहा होता है। जैसे कि हम मुशर्रफ के दौर की बात कर लें, वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट उस वक्त थी पाकिस्तान, लेकिन आइन के लिहाज से अगर हम देखा जाए तो पाकिस्तान एक जो है वो डिक्टेटरशिप नहीं है, यहाँ पे डेमोक्रेसी चलती है। तो यहाँ पे जो निज़ाम है वो डेमोक्रेसी वाला है, यहाँ पे जमहूरी निज़ाम के तहत लोग सेलेक्ट होते हैं, हुकूमत में आते हैं, ठीक है। तो कहते जी अगर टोटलिटेरियन रजीम था, उस इस्लाहात के मुताबिक अगर कोई डेट्स वगैरह उस वक्त लिए गए हैं तो उनको माफ़ कर दिया जाए, ठीक है, या उनको मतलब जो है वो माफ़ कर दिया जाए या उनको कम कर दिया जाए, किसी तरीके से उनको ना सेटल करने की कोशिश की जाए। तो इस हवाले से अगर लोगों के जो है वो डेट्स वगैरह जो है वो जो इनकर किए गए हैं उस दौर में, उनको अगर माफ़ कर दिया जाए या उनको कम कर दिया जाए, ठीक है, तो इस हवाले से भी लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी, और आसानियाँ जब पैदा हो जाएंगी तो कारोबार जो है वो मज़ीद बढ़ेगा, कारोबार मज़ीद बढ़ेगा तो जो आपकी इकानमी है वो ग्रो करेगी, ठीक है। बाकी इस जो कंसेप्ट को हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं डिटेल से, टोटल टैरियन को और आगे जो है आपका डेमोक्रेसी को, ठीक है। तो यहाँ तक ये जो ताल्लुक था ग्लोबलाइजेशन का दुनिया की गुरबत के साथ, तो मुखालिफिन ने भी अपनी राय दे दी है कि कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए अगर ये बेनिफिशियल थी, ठीक है। और जो इसके सपोर्टर्स हैं उन्होंने भी तीन कंडीशंस बता दी कि अगर ऐसा ऐसा कर लिया जाए, ठीक है, तो जो गरीब अकवाम है वो अपने हालात को बेहतर से बेहतर बना सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो है मैनेजिंग इन द ग्लोबल मार्केट प्लेस, ठीक है, लास्ट पार्ट है हमारी मैनेजिंग द ग्लोबल मार्केट प्लेस से मुराद क्या है कि हम देखते हैं जी एक इंटरनेशनल बिजनेस है और एक आपका लोकल बिजनेस होता है। तो लोकल बिजनेस इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस में आपकी कंट्रीज डिफरेंट होते हैं, ठीक है, उसको मैनेज करना उस तरह से नहीं है जैसे आप एक डोमेस्टिक बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस आपको देखनी पड़ती है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का सामना करना पड़ता है इंटरनेशनल बिजनेस के। यहाँ पे कंट्रीज डिफरेंट होती हैं, ठीक है, द रेंज ऑफ प्रॉब्लम कन्फ्रंटेड इन आईबी यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस इज वाइडर एंड द प्रॉब्लम मोर कॉम्प्लेक्स देन दोज इन द डोमेस्टिक बिजनेस। कहते जो आपके लोकल बिजनेस में एक डोमेस्टिक बिजनेस जो आपने मुल्क में कर रहे हैं उसमें जो मुश्किलात का आपको सामना होता है वो इतनी नहीं होती जितनी आपकी मुश्किलात इंटरनेशनल बिजनेस में करते हुए हो रही होती है, ठीक है, जब आप डिफरेंट इकोनॉमीज के साथ जो है वो मतलब अपने रابطہ कायम करते हैं, उनके साथ डीलिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ मुश्किलात ज़्यादा होती हैं, वहाँ प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। और जो डोमेस्टिक बिजनेस की बात करें तो वहाँ इतनी प्रॉब्लम्स या कम्प्लेक्स सिचुएशंस नहीं होती, नहीं आपको फेस करनी पड़ती, तो मैनेज करना इसको जो है ज़ाहिर बात है ज़्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू अगर हम डोमेस्टिक बिजनेस की बात करें। तो फर्म्स हैव टू फाइंड वेज टू वर्क विद इन द लिमिट्स इम्पोज बाय द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सिस्टम। कहते हैं कि फर्म्स के ऊपर एक जो है रेस्ट्रिक्शन है कि उन्होंने हुकूमत की बनाई हुई पॉलिसीज जो हैं, हुकूमत की जो, क्योंकि हुकूमत जो है गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन, इंटरवेंशन से मुराद क्या, मुदाखलत है। इंटरनेशनल बिजनेस में गवर्नमेंट जो है वो मुदाखलत कर रही है, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रही है, रेस्ट्रिक्शंस लगा रही है, टैरिफ्स लगा रही है। तो यहाँ पे फर्म्स जो है वो मतलब मजबूर हैं कि वो जिस कंट्री में काम कर रही हैं उस कंट्री की जो हुकूमत है, जो निज़ाम है, वहाँ की पॉलिसीज को फॉलो करते हुए जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ जाएं और अपना जो इन्वेस्टमेंट का जो सर्कल है उसको उसको भी हुकूमत की बनाई हुई पॉलिसीज के अंदर रहते हुए जो है वो सर्कुलाइज करें, ठीक है। यानी कि उनके लिए बहुत सारे मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं फर्म्स के लिए जो कि उनको बिजनेस करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए वो जो फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि वो जिस कंट्री में काम कर रही होती हैं उस कंट्री की हुकूमत के बनाए हुए रूल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर ये रूल्स ज़्यादा ना हो, सख्त हों, तो बिजनेस ज़्यादा ग्रो कर सकता है। अगर रूल्स वगैरह ज़्यादा सख्त होंगे तो फिर जो है बहुत सारी जो है कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है। लास्ट इसमें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व कन्वर्टिंग मनी इनटू डिफरेंट करेंसीज। यहाँ पे आपको पता है कि अगर आपने बाहर किसी से कोई चीज़ मंगवानी है तो आपको रुपीज़ को डॉलर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और डॉलर्स में आप कोई चीज़ इम्पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको बाहर कोई चीज़ सेल करते हैं तो आपको, चूँकि इस टाइम जो इंटरनेशनल करेंसी आपकी है वो आपके डॉलर्स हैं, ठीक है, तो आपने कभी भी अगर बाहर से कोई चीज़ परचेज करनी है, बेचनी है, तो आप उसकी रुपीज़ में ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते, आप उसकी डॉलर्स में कर रहे होते। सबसे पहले यू हैव टू कन्वर्ट योर रुपीज़ इन टू डॉलर्स, आफ्टर दैट यू कैन परचेज समथिंग फ्रॉम अब्रॉड।
अगर आप बाहर से कुछ चीज परचेज करना चाहते हैं, इम्पोर्ट करना चाहते हैं, तो आपको अपने रुपीज को स्टेट बैंक से या फिर जो आपकी करेंसी एक्सचेंजेस हैं वहां से आपको डॉलर्स लेने पड़ेंगे, तो उसके बाद ही आप जो है बाहर से कुछ चीज परचेज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें जो है हमें ग्लोबल मार्केट प्लेस को मैनेज करते हुए हमें ये चीजें देखनी पड़ती है। ग्लोबल मार्केट प्लेस क्या है, जहाँ पे डिफरेंट इकोनॉमीज जो है एक दूसरे के साथ बिजनेस के हवाले से डीलिंग कर रही हैं, तो ये उस हवाले से सिचुएशंस हैं जो कि हमें ग्लोबल मार्केट प्लेस को मैनेज करते हुए वहाँ के हालात मेंटेन करते हुए ये चीज़ें हमें सारी की सारी देखनी पड़ती हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपनी मार्केट प्लेस को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। इफ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, थैंक यू वेरी मच।